बजता रहता और बजाता रहता है। टुम बस सब शुरू टुम नील ऐश्वर्या के इशारों पे। तो ढोल जैसे जो बजता रहे। अभिषेक क्यों? क्योंकि वो बजता रहता और बजाता रहता है। गिटार जैसा जो सुरीला है। विकी भैया लगते हैं तो सुरीले। या पियानो जैसे आर्टिकुलेटेड। नावेद। गोंग जैसे जो एक बार बजता है बट सही बजता है। खानजादी। कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे इस पर? अब कुछ बताना चाहेंगे? टुम बस सब शुरू टुम बस सब खत्म। ड्रम स्टिक्स जो दूसरों के इशारों पर चलता है। नील ऐश्वर्या के इशारों पे। लगता है आपको ऐसा? हाँ सबको लगता है। बैंजो जिसकी शुरुआत अच्छी हुई थी पर फिर अनोइंग होने लगा, वो कौन है? मनारा। क्यों मतलब और क्यों लगता है आपको ऐसा? बस जो आपने ही खुद बोल दिया जवाब आपके क्वेश्चन में ही है। मतलब शुरुआत अच्छी हुई थी फिर ऑनलाइन होने लगना शुरू हो गया है वैसे। ओके माइस्ट्रो कंडक्टर जो पूरा शो चला रहा है वो कौन है? विक्की भैया। ऐसा लगता है आपको? जी। क्या बदलाव आप खुद में देखती हैं अगर मैं आपकी अगर मैं बात कहूँ तो? जी तो मुझे नहीं लगा था कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है जितना मैंने अपने आप को डिफेंड किया है, अपने लिए स्टैंड लिया है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी इनिशियली, यू नो। तो ये बात मुझे नहीं पता था और अभी बस इस चीज़ को आगे लेके जाना है ज़िंदगी में। बिग बॉस के बाहर आ गई हूँ और बाहरी दुनिया में अपना एक पहचान बन गया है और बस मैं खुश हूँ आज मैं जो भी हूँ। एक तक आई एम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ नाउ।